राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आज मैं बताऊंगी धनु राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का इनका समय कैसा चलने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपको बता दें, धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। धनु राशि वालों का जो अक्टूबर का महीना है, इस महीने इन्हें धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा और इनका व्यापार भी काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही शुभ साबित होगा। जैसा कि मैंने बताया, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए महाउत्सव, महापर्व का महीना होगा। हर दिन इनके घर में खुशहाली होगी। हर रोज़ इनको एक नया उत्सव की तरह लगेगा। इनके पुराने लेन देन का मामला भी इस महीने सलट जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद धनु राशि वालों का अक्टूबर महीने में होगा महापरिवर्तन। महीने में ही नहीं, 15 अक्टूबर के बाद इनके जीवन में भी महापरिवर्तन होने वाला है। इनका काफ़ी समय से चल रहा जो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो भी 15 अक्टूबर के बाद मामला इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा और इनकी समस्याओं का समाधान ऐसे होगा कि जैसे कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनके जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, 15 अक्टूबर के बाद वह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया, धनु राशि वालों को अक्टूबर महीने में न्याय मिलेगा। इनके साथ जो अब तक लोगों ने अत्याचार किया, इनके साथ जो गलत किया, उन्हें भी अपने गलतियों का एहसास होगा और वो इनसे माफ़ी मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से धनु राशि वालों का वक्त बदलने वाला है और वक्त ऐसा बदलेगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। इस तरीके से चकाचौंध हो जाएंगे कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आपका वक्त ऐसा बदलेगा। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर सारा समय अपने गोल पर दें, अपने गोल पर फोकस दें। आपने जिस चीज़ को सोच रखा है, आप उसको अंजाम तक ले जाने के लिए आप दिन रात कड़ी परिश्रम कर रहे हैं और आपको कड़ी परिश्रम की ज़रूरत है जिससे आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी। आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि आपने जो भी नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें जिसे भी आपने अपना पार्टनर बनाया है, थोड़ा उससे चालाक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा चतुर है। दिखने में तो भोला भाला और सीधा साधा सा लगेगा, लेकिन अंदर उसके जो चल रही बातें हैं, शायद उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भोला भाला दिखने वाला इंसान अक्सर राजनीति से भरा हुआ होता है। आप आँख बंद कर अपने पार्टनर पर भरोसा ना करें, क्योंकि उसके दिमाग में चल रही बातों का आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए आपको अपने बिजनेस पार्टनर से साहूचेत रहने की ज़रूरत है और उसकी चालाकियों को समझने की ज़रूरत है। आप उससे मित्रता इतना ही रखें कि जितना निभा सके। आप उससे व्यवहार उतना ही रखें जितना एक बिजनेस पार्टनर के साथ रखा जाता है, ना कि उसके साथ इस कदर दिल लगी कर लेंगे कि मानो उसे अपने परिवार से बढ़कर आप मानने लगे। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको धोखा मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको सूझबूझ और पूरी समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आप दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे होने के कारण आप बहुत ही जल्द लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब समय किसी और पर भरोसा करने की नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। आपका जो पिछला समय था वह बहुत ही बुरा और कठिनाइयों से गुजरा हुआ समय है। उस समय को आपको बदलने के लिए कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं और आप अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर दें। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो आपका पारिवारिक जीवन अक्टूबर महीने में काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। आपको पत्नी से भी प्रेम मिलेगा, पत्नी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यदि
आप अनमैरिड हैं तो आपको अपनी प्रेमिका से भी या प्रेमी से भी धनु राशि वालों को काफ़ी हद तक सहानुभूति और लाभ और प्रेम प्यार मिलने वाला है। यह पूरी तरीके से आप पर समर्पण रहने वाले हैं, आपकी हर कही बात को मानने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरक्की की वजह आपकी पत्नी या प्रेमिका भी हो सकती हैं या पति या प्रेमी भी हो सकता है। आपको चाहिए कि हालांकि धनु राशि वाले जो जातक जातिका होते हैं इनके इष्ट देव भोलेनाथ जी होते हैं, आप प्रतिदिन नियम से भोलेनाथ के मंदिर जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनसे अनुरोध करें, उनसे प्रार्थना करें कि वह आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की की ओर लेकर जाएं। एक लोटा जल और एक लोटे जल में हो सके तो आप कनेल का फूल और शहद डालकर भोले बाबा का अभिषेक करें, जिससे आपका जीवन कृतार्थ हो और आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर हैं। इससे सबसे ज़्यादा यह भी आपको फ़ायदा होने वाला है कि यदि कोई आपके साथ छल कपट करने वाला होगा तो उससे उसके विचार बदलेंगे और उसकी जो भावनाएं हैं वह आपके लिए बहुत ही सच्ची और अच्छी भावना हो जाएगी। बात करें आपके व्यापार की तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अक्टूबर महीने में आपका व्यापार बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने पार्टनर से साहूचेत होने की ज़रूरत है। नवरात्र से पहले भी आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। और रहा आपकी तरक्की का सवाल, तो आप तरक्की तो इतनी करने वाले हैं, इतनी करने वाले हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप वह राशि हैं, धनु राशि वाले जातक जातिका अपने बातों के इतने पक्के और दृढ़ विचार वाले होते हैं कि अगर आपने कोई विचार कर लिया तो उसे बिना पूरा किए दम नहीं लेते हैं। यही वजह है कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते हैं। आपकी तरक्की होने से स्वयं महादेव भी नहीं रोक पाते हैं, वह भी आपके पूरा साथ देते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं और आप अपने महादेव पे इतना भरोसा करते हैं कि आपको पता है कि आप जहाँ थोड़ा भी डगमगाएंगे वहाँ आपके महादेव जी आपको संभाल लेंगे। और बता दे आपके शुभ रंग की, तो अक्टूबर महीने में आपका शुभ रंग पीला रहने वाला है। आपको पीले रंग के वस्त्र ज़्यादातर पहनने चाहिए। आपको अपने माथे पर पीला चंदन लगाना चाहिए। माथे पर पीला चंदन में शहद और केसर मिलाकर आप तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे लोगों का आकर्षण आपके प्रति अधिक होगा, लोगों का भरोसा आपके प्रति अधिक होने लगेगा, लोगों का जो खिंचाव है वो आपके तरफ अधिक होगा। अक्टूबर महीने में आपकी वाणी में इतनी मिठास इतनी मधुरता होगी कि लोग आपकी आपकी बातों में भाव विहोर होकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको हो सके तो अक्टूबर महीने में गुरुवार के दिन चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ और उसमें कुछ मुद्रा मिलाकर आप किसी गरीब को दान करें, जिससे आपका जीवन में लक्ष्मी की बरसात हो और आप दिन प्रतिदिन लक्ष्मी माता को आवाहन करते हुए बुलाते समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब भी आप नहा धोकर महादेव का अभिषेक करके घर लौटे तो घर अभिषेक करके घर लौटते समय जब मंदिर से आप पीछे घूमे तो आपके मुख से सिर्फ एक शब्द निकलना चाहिए, राधा 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 राधा। इस तरीके के शब्द का, इस तरीके से राधा राधा नाम के मंत्र का उच्चारण करने से महादेव जी बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रभावित और प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। और आपको घर आने पर माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, उन्हें बड़े ही भाव से बड़े ही गरुड़ पुकार से आपको उनको आवाहन करते हुए बुलाना है कि हे माता लक्ष्मी मेरे घर प्रवेश करो, मेरे गृह में प्रवेश करो, मेरे हृदय में प्रवेश करो, मेरे व्यापार में प्रवेश करो। और हे माता लक्ष्मी आप उल्लू पे सवार ना होकर श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर मेरे घर में प्रवेश करो,
मेरे सिर पर अपना हाथ रखो और अपने चरणों की थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी बरसा दो। नित प्रति नियम से ऐसा आप करिए, अगर आपकी तकदीर सवा महीने में ना बदल जाए तो मैं अपना नाम बदल देने को तैयार हूँ। ये मेरी गारंटी नहीं, मेरा दावा है। मैं पूरे दावे के साथ यह चीज़ को आपको कह रही हूँ। आप नियम प्रति नियम से करना शुरुआत कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा और इस कदर बदलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अक्टूबर महीने में आपको माँ बाप से भी भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलने वाला है। जो भाई आपसे मनमुटाव रखते थे वही भाई अब आपके सामने सिर झुकाकर खड़े रहने वाले हैं। जिन लोगों ने आपका अपमान किया उन लोगों से सम्मान करवाने का समय आ चुका है। बात करें आपके शुभ दिन की तो आपका शुभ दिन गुरुवार, सोमवार और शनिवार रहने वाला है। बात करें आपके शुभ दिनांक की तो आपका शुभ दिनांक 9/11/22/25 रहने वाला है। और इस दिन आप यदि कोई भी अपना नया काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता और शुभता मिलेगी। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।